नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैच पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ही एक बहुत ही अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका नाम है पुरुष महिला और बच्चे वाले प्रश्न। जी हां, जब आपको काम आदमी महिला और बच्चों के रूप में दिए जाएंगे कि अगर तीन आदमी चार अथवा चार महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं तो सात आदमी पांच महिला या कुछ भी महिला और पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे हर टाइप पर चर्चा करूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तबाही कंसेप्ट, तबाही ट्रिक लाया हूं दोस्तों, ताकि आप परीक्षा में इसे विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर ले और आपको पता भी न चले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि तीन आदमी अथवा चार महिलाएं। अब इसी से आपको समझना है दोस्तों, ये अथवा का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है मेरे बच्चों, देखिए, तीन आदमी अथवा चार महिलाएं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तीन आदमी की जो इफिशियंसी है ना, वो चार महिला की इफिशियंसी यानी कार्य कुशलता के बराबर है। तो आपको मेथड नंबर 1 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आदमी और महिला का अनुपात निकाल लेना है। तो देखिए, हमने निकाल लिया, मेन इधर विमेन इधर आ गया, चार वहीं रह गया, तीन इधर आ गया, तो 4:3 आ गया। अब आपको करना क्या है, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। P1 T1 बराबर P2 T2 आपको करना है, यानी पर्सन इंटू टाइम, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, आपसे जो पूछा जाएगा उसे आप लिख दीजिए, 7 आदमी तथा 5 महिलाएं, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 7 आदमी प्लस 5 महिला किसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी T1 हमें निकालना है। और अब P2 T2 के जगह पे या तो आप 3 आदमी 43 दिन में काम को खत्म करते हैं या 4 महिला 43 दिन में, जो आपकी इच्छा, दोनों में से जिसको आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, P1 T1 में आप लिख दीजिए कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, 3 आदमी तथा 5 महिला, तथा का मतलब होता है प्लस और का मतलब होता है इक्वल, समझ में आ गया। तो देखिए, हमने यहाँ लिख दिया 7 आदमी प्लस 5 महिला किसी काम को T1 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे यानी T1 निकालना है। बराबर में आपको क्या करना है मेरे बच्चों, P2 × T2, यानी अब यहाँ देखिए 3 आदमी है, चलिए मैंने लिख दिया 3 आदमी, इस काम को कितने दिनों में वो कर रहे हैं, 43 डेज में, तो × 43 कर दिया। अब किसी बच्चे को मन कर गया कि नहीं 4 महिला करके बनाएंगे, तो वो 4 महिला × 43 लिख सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जब अथवा दिया रहे। आ गई बात समझ में, तो स्टेप नंबर 1 बस कंप्लीट हो गया, जस्ट आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ लिखा है 7 मेन का अनुपात क्या है मेरे भाई, 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए, प्लस 5 विमेन का अनुपात 3 है, इसे 3 से गुणा कर दीजिए, × T1 बराबर 3 × मेन का अनुपात 4 है, तो 4 लिख दीजिए, × 43। अब देखिए, 5 × 3 = 15, 7 × 6 = 28, 15 × 28 = 43 होता है, ये 43 कैंसिल, 4 × 3 = 12, यानी T1 का मान आ गया 12 दिन। तो देखिए, आपका आंसर हो गया 12 दिन। तो देखो कितनी आसानी से हमने इतने जटिल सवाल को ज्यादा कुछ न लिखे बिना भी हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको ये मेथड सॉल्व करके समझाऊंगा। चलिए, इसी क्वेश्चन को एक और जादुई तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ, कि जब 2 लोग रहेंगे, यानी आदमी महिला या महिला बच्चे या बच्चे आदमी, यानी केवल 2 प्रकार के जाति रहेंगे, तो उसमें ये ट्रिक आपका और भी इससे भी फास्ट बन जाएगा। चलिए उस ट्रिक को भी मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेथड नंबर टू में आपको क्या करना है, ये मेथड तभी काम आएगा जब आपके लोग रहेंगे केवल 2। तो देखिए क्या करना है इसमें, शुरू में देखिए 3 आदमी 4 महिला कितने दिन में काम कर रहे हैं, 43 दिन में, सभी को गुणा करके लिख दीजिए, एकदम आंख बंद करके लिख दीजिए। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, अब आपको यहाँ नीचे क्या लिखना है उसे ध्यान देना, यही आपको सीखना है, बस 5 सेकंड में भरवली बना लोगे। तो देखो, जब भी आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है 3 आदमी या 4 महिला, मैं आपको थोड़ा साइड करके बताता हूँ, तीन आदमी या 4 महिला। तो अब मेरे बच्चों इसमें आपको करना क्या है, 7 आदमी तथा 5 महिला, तो देखो 7 आदमी प्लस 5 महिला का आपसे पूछा जा रहा है, इस तरीके से लिख लेना है।
और आपको अब क्या करना है, इसे यहाँ क्रॉस गुणा करना है, इसे भी यहाँ क्रॉस गुणा करना है। तो देखो हो गया 7 × 4 = 28 और बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, 5 × 3 = 15 यानी 43। तो देखो 43 कैंसिल, 4 × 3 = 12, 12 दिन आपका सही जवाब हो गया। आ गया मजा मेरे बच्चों, ये कैसे क्वेश्चन में लगाना है मेरे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन में दो लोगों पर की बात की जाएगी, केवल दो आदमी महिला, महिला बच्चे या बच्चे और आदमी, सिर्फ दो जेंडर, दो प्रजाति के लोगों की बात की जाए तभी आपको वो करना है, बाकी दो से अधिक रहेंगे तो ये मेथड आपका काम नहीं आएगा। मगर ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी दो का भी दिया जाता है तो वहां आप इस जादुई तरीके को यूज कर सकते हैं। चलिए रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार, 3 आदमी 4 महिला 43 दिन, सबको गुणा कर दो, उसी के बाद 3 आदमी अथवा 4 महिला है यहाँ लिख दिया, और जो पूछा जाएगा उसे नीचे लिख दो, 7 आदमी 5 महिला, बस क्रॉस गुणा कर दो और गुणा करके जो आए उसे जोड़कर लिख दो और डिवाइड कर दो, चुटकियों में आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों फिर से वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, तो P1 T1 मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है और एक जादुई तरीका भी बताया, उसे भी कर लेना, दोनों काम आएंगे। मगर याद रखना P1 T1 बराबर P2 T2 जो मैंने पहला मेथड बताया था, वो कितने भी लोग रहे हर प्रकार के क्वेश्चन में वो आपको मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, पहले जल्दी बनाकर दिखाता हूँ, 5 आदमी अथवा 6 महिलाएं, तो क्या करना है, मैंने बोला था 5, 10 और फिर 10 दिन में करते हैं, सबको गुणा कर दो, 5 आदमी 10 महिलाएं तथा 10 दिन में करते हैं, काम खत्म। अब बटे में हमें क्या करना है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले ये देखो ऊपर में 5 आदमी है अथवा 10 महिला है, इसे साइड में करके दिखा देता हूँ, 10 महिला है और क्या पूछा गया है, 1 आदमी तथा 1 महिला। अब देखो क्रॉस गुणा करूंगा तो 1 × 5 = 5 होगा प्लस, और यहाँ पर देखो 1 × 10 = 10 हो जाएगा, बस इससे आपको डिवाइड कर देना, तो 10 और 5 = 15 हो गए मेरे बच्चों, तो 5 × 15 यानी 100/3 यानी के 33.1/3। देखो कितनी चुटकियों में आंसर आ गया आपका, विदिन 5 सेकंड आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब दो लोगों की बात की जाए इस जादुई तरीके से। आई होप आपको इस बार तो पक्का समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा। मगर मेरे बच्चों P1 T1 मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसे जरूर करिएगा, क्योंकि जब दो से अधिक लोग रहेंगे तो वहां पर आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आगे बात क्लियर है, चलिए अब इसी को मैं P1 T1 वाले मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो मेरे बच्चों P1 T1 करने के पहले क्या है, 5 आदमी अथवा 10 महिला यानी बराबर 10 महिला हो जाएगा, तो मैन बाई वुमेन आप निकाल लो, 10/5, 5 × 10, 5 × 5 यानी ये आपका अनुपात आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, P1 T1 = P2 T2 यही आपको करना है। तो P1 मतलब जो पूछा गया है, तो 1 आदमी + 1 महिला कितने दिन में काम को करेंगे, तो T1 रहने दो, और P2 T2 में जो आपकी इच्छा ले लो, तो चलो मैं आदमी से ही बना देता हूँ, तो 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिया लिख दिया हमने। अब MW और M के जगह पर ये अनुपात आपको बिठा देना है, तो M का मान है 2, तो 2 × 1 = 2 और वुमेन का 1 है तो 2 और 1 = 3 हो गए, क्लियर, × T1 = 5 या M का जगह 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 = 5 × 10 = 10, 10 × 100 तो T1 = आ जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3। तो देखो ये भी मेथड कुछ खास लेंदी नहीं है, आप आसानी से इससे भी सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आपको किसी भी प्रकार का कन्वर्जन नहीं करना होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसे ही क्वेश्चंस को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं जब पुरुष महिला और बच्चे एक ही सवाल में 3 लोगों की बात कर दी जाती है। तो आज रणभूमि मैथ्स पर जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आप 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, जितने भी ज्यादा प्रजाति के लोग पूछे जाएं, आप उसे चुटकियों में विदिन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा दावा है। आइए अब आप इस मेथड को देखिए। तो मेरे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 4 पुरुष अथवा 8 महिला अथवा 12 बच्चे, कुछ भी नहीं करना भैया। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिसके बारे में पूछा गया है उसे ऊपर लिख दो, तो 1 आदमी है तो देखो हमने लिख दिया 1। अब इसके बटे में आप हमेशा क्या लिखोगे, जो आपको दिया गया है, यानी 4 पुरुष दिया तो आपने यहाँ लिख दिया 4 प्लस। अब देखो 1 महिला, तो 1 महिला दिया गया तो 1, अगर यहाँ कहा जाता 5 महिला तो आप यहाँ पर लिखते 5। आगे बात समझ में, तो 1 महिला, तो अब महिला आपको कितना दिया गया 8, तो अब आप यहाँ 8 लिख देंगे प्लस
एक बच्चा, तो एक बच्चा आप यहाँ ऊपर लिख दोगे तो बच्चे की संख्या कितनी दी गई है 12, तो यहाँ लिख दो 12। देखो भैया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो जिसकी एफिशिएंसी जितने दिनों में काम कर सकते, जो सवाल में पूछा जाएगा उन सबको लिख देना है ऊपर, और इन्हीं सभी जातियों के संख्या जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, जो जिसकी दिन आपको दिए गए हैं, उनको आपको जस्ट उसके नीचे लिख देना है, और सभी को जोड़ना है, क्योंकि सभी का साथ मिलकर काम पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, माइनस तो अपन करेंगे नहीं। तो देखो ये हो गया, इनको हमने जोड़ दिया, गुना में ये कितने दिन में काम करेंगे मेरे को पता नहीं है, तो बराबर मैं टी लिख दूंगा, और इन सबके बराबर में आपको लिखना है टोटल दिन, टोटल दिन, कुल दिन, यानी कि ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखो 15 दिन में। तो चलिए इनका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 24, तो 4 6 8 किया 12 दिन में, टी हमको पता भी नहीं है मेरे भाई, और हमें वही निकालना है, और टोटल दिन आपको 15 दिया, तो आप यहाँ 15 लिख सकते हो, तो 6 3 9 2 11, तो टी बराबर हो जाएगा 24 ऊपर चला गया गुणे 15/11, ये हो जाएगा 360/11, 11 3 35, 3 5 11 2 22, यानी 32.8/11, तो ये आंसर नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 32.8/11 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। जाओ मेरे बच्चों, आज मैंने जो ये आपको बता दिया है ना, दावा है, ऐसा आप कुछ भी क्वेश्चन ले लो भैया, 5 से 6 सेकंड में सॉल्व होगा, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से इसे समझ गए हैं। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार का मन में डाउट ना हो। सबसे पहले जो जिसकी एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, उन सबको हमने देखो ऊपर लिख दिया, देखो ये आदमी हो गया, ये वुमेन हो गया, और ये चाइल्ड हो गया। अब क्या कहा गया मेरे बच्चों, आदमी, तो आदमी की संख्या आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो 4 दिया तो 4 लिख दिया, महिला 8 दिया तो नीचे 8 लिख दिया, बच्चे 12 दिए हैं तो नीचे 12 लिख दिया, गुणे में टी जो आपको निकालना है कि इतने लोग मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, और बराबर में ऑलवेज लिख देना है कि जो आपको दिया है कि ये अथवा करके कितने दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं 15, तो आपको यहाँ 15 लिख देना, लेकिन लिख दिया, उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है, गुणा भागा करना है, जो आ गया वही आपका आंसर हो गया। मजा आया मेरे बच्चों, दावा है मेरा बच्चों कि अगर इस मेथड को आप समझ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हलवा पूरी हो जाएंगे, बस उठाओ और खाओ। चलो चलते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, जहां पर शुरू में ही आपको अथवा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, और तथा करके यानी जोड़ करके दिया जाएगा। आइए उसको टाइप के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर है वो धुरंधर सवाल जो आजकल परीक्षा में बहुत दिया जा रहा है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको और यानी के अथवा नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज है, आप ध्यान देना कि यहाँ देखिए दिया गया है 2 पुरुष तथा 5 महिला, तो प्लस 5 वुमेन आप कर लो, इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लो 9 दिन बराबर। फिर देखो एक इक्वेशन और है कि 5 पुरुष यानी 5 मेन प्लस 2 महिला उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, कब? जब आपको परीक्षा में क्वेश्चन में और न दे करके तथा दिया जाए, यहाँ भी देखो तथा दिया होगा, तो कहा गया केवल 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, मेरी बात को मानो, अच्छे से बात को समझना मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये तो आपको लिखने आता ही है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं मैन बटा वुमेन का अनुपात निकाल पाऊं, उसके बाद T1 T1 करके उड़ा देंगे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो चलिए, तो देखिए 3 3 9, 3 4 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 men + 15 women बराबर 5 6 20 मैन प्लस 8 वुमेन। अब मैन एक तरफ ले जाओ, ये इधर चल गया तो क्या हो गया 14 मैन घट गया, अब 15 में से 8 गया तो 7 वुमेन, तो भैया मैन बटा वुमेन आ जाएगा 7/14, 7 1 7 7 2 14, यानी अनुपात आ गया 1/2। आ गई बात समझ में? क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखो अनुपात हमने निकाल लिया 1/2, 1:2। अब देखो आपको पूछा गया, देखिए यही सवाल को थोड़ा लेंदी कर देता है तथा दे करके, क्योंकि आपको अनुपात फटाक से नहीं निकाल पाओगे। अगर यहाँ और देता तो मैं सिंपल कहता कि मैन बटा वुमेन हो जाता 5/2,
तो बस सिंपल P1 T1 करके बना देते। मगर जब तथा वाले सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जितने लोग दिए हैं उसको 9 से गुणा कर देना, फिर यहाँ जितने दिए वो जो दिन रहेगा 9, 10, 11, 12 जो भी उससे गुणा करके मैन एक तरफ वुमेन एक तरफ ले जा करके रेशियो निकाल दो। तो अब ये रेशियो निकल गया भैया, तो अब सिंपल सा P1 T1 बराबर P2 T2 कर दो। तो P1 का मान क्या है, देखो पूछा क्या गया है, 3 महिला तो 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेगी, तो T1 दिन में करेगी बराबर P2 T2। अब आपकी इच्छा, आप या तो ये पहले वाला लो या तो दूसरे वाला लो, जो आपकी इच्छा। तो चलिए पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, 2 आदमी तथा 5 महिला तो 2 men + 5 women कि उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 9 दिन में, बस यहाँ कर दो। अब M और W का मान अनुपात जो आपने निकाला है, निकाल रखा है, उसे बस यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। तो देखो 3W इक्वल टू कितना है, 2 है, तो 2 बिठा दिया इंटू T1 बराबर। अब देखो यहाँ M का मान 1 है तो 2 × 1 = 2 हो गए, और 5W का मान 2 है तो 5 × 2 = 10 हो गए इंटू 9। तो देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 5 ये 10 और 2 = 12, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा ये पूरा, तो 6 × 3 = 18, यानी कि T1 का मान आ गया आपका 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो आई होप मेरे बच्चों आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को देखकर। अब देखो इससे जटिल जटिल क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसे अच्छे से देखना। जो चौथे क्वेश्चन को देखकर नहीं समझ पाए हो तो 5वें को देखकर अच्छे से समझ लो। तो देखो भैया तथा तथा करके दिया है, कहीं भी और नहीं दिख रहा है, यानी हमें समझ जाना पहले रेशियो निकालना है, फिर P1 T1 = P2 T2 करना है। तो देखो यहाँ दिया गया 3 आदमी + 2 महिला किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2 पुरुष तथा 3 महिला उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो देखो 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 15 मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 = 12 + 4 × 8 = 8 बराबर हो जाएगा 5 × 10 = 10 men + 5 = 15 women। अब देखो आदमी यहाँ हो गए, 2 men = 7 women, तो मेन बटा वुमेन हो जाएगा 7/2। तो ये जो रेशियो आपका निकल के आ गया, यही क्वेश्चन का 80% सॉल्व हो गया। अब आपको सिर्फ 20% हल करना है P1 T1 बटा, देखो P1 T1 = P2 T2 का, बस इसे अच्छे से समझ लेना। तो P1 का मान यानी जो पूछा पहले लिख दो, तो 1 आदमी तथा 1 महिला किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, और P2 T2 की जगह आपकी इच्छा, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, आपका मन है मेरे बच्चों। तो चलिए हम पहले वाले को ही ले लेते हैं। देखो ये क्या हो गया, 3 men + 2 women किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन, तो × 12 लिख दिया हमने। अब जस्ट सॉल्व करना है, तो M का मान है भाई कितना, 7, और W का मान है 2। तो देखो 7 × 7 = 2 × 2 = 7 और 2 = 9 हो गए, 9 T1 बराबर, देखो 7 × 3 = 21 हो गए, प्लस 2 × 4 यानी 25 हो गए, × 12 हो गए, 3 × 9 = 3 × 12। अब देखो कितना हो गया, T1 बराबर 25 × 100 = 100/3 यानी कि 33 × 1/3। तो भैया मेरे 33 × 1/3 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। तो देखो मेरे भाई कितने जटिल से जटिल क्वेश्चंस को भी कितनी आसानी से इजीली हमने सॉल्व करके दिखा दिया। और मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो देखो भाई टाइम एंड वर्क और इफिशियंसी से रिलेटेड पुरुष महिला बच्चे वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से मैंने समझा दिए। बस इन 5 क्वेश्चंस को ना रोज दिन प्रतिदिन इतना अभ्यास करो कि ये सब मेथड ही आपको यूज टू हो जाए, आप आदत बनानी होगी आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स की। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अब कोई भी बुक उठाओ, सेट उठाओ और उड़ाते जाओ, दिन प्रतिदिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। देखो आदत हो जाएगी भैया, आधा कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लोगे। तो मेरे दोस्तों अगर मेरा ये मेथड आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे बच्चों। रणभूमि मैथ्स अब फेसबुक पर एक पेज भी मैंने बना दिया है, जहां वहां पर भी आप आ सकते हैं, रील्स भी मैं डालता हूं, यूट्यूब में शॉर्ट्स भी डालता हूं, इंस्टा पे भी आ गया हूं, तो वहां भी मुझे लाइक और फॉलो जरूर करिएगा मेरे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।